हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं कहीं घूमने के लिए, तो वैसे जगह तो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बट जा रहे हैं तो मे बी के एक अच्छी जगह जा रहे हैं, मज़ा आएगा। आपको आगे बताया जाएगा कि कौन सी जगह जा रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और पूरा ब्लॉग देखें, थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है, अभी आगे पीछे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो अभी तक हम चल रहे हैं, हम 2 बजे निकले थे घर से, तो अप्रॉक्स हमें आधा घंटा हो चुका है चलते चलते। अभी भी 30-40 किलोमीटर है जो हमने कवर करना है। तो मज़ा तो आ रहा है लेकिन जंगल है यार, देखते हैं आप बाइक कहाँ लेके जाते हैं। हमारे साथ कज़न है हमारे। तो गाइस अभी भी हम चल ही रहे हैं, तो अभी मतलब एक अच्छी अच्छी प्लेसेस आ रही हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना एक अच्छा मौसम भी है, क्योंकि जम्मू में तो जाहिर सी बात है गर्मी तो है ही है अभी। एंड उसके बाद जो कि मतलब एक मज़ा भी आ रहा है, घूमने जा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो अपना मज़ा आ रहा है। एक देखते हैं आगे क्या होता है, समझ नहीं आ रहा यार जा कहाँ रहे हैं। आप लोगों को अगर पता है ये जगह कौन सी है तो कमेंट में बताएं जरा कौन सी जगह। तो गाइस हम ये देख लें, आप अभी भी हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो अभी भी हमें टाइम काफ़ी हो चुका है। तो जिंदगी एक सफर है तुम्हारा। सो गाइस चल तो रहे हैं, मतलब बस हमें बस एक है कि कोई पूंछ वाला सामने नहीं आना चाहिए, फिर मिलना पड़ेगा उसको, फिर बात करनी पड़ेगी, फिर ये वो कंसर्न हो जाता है ना कि मतलब फिर बंदा इंजॉय नहीं कर पाता। तो जाम ही है अभी, तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग इस टाइम बहुत ही अंदरूनी पहाड़ियों में घुस चुके हैं। जो देख लो आप कितना अच्छा व्यू है, कितने लोग जा रहे हैं यहाँ इस स्पॉट पे पिकनिक के लिए, तो बड़ा अच्छा स्पॉट आने वाला है। बंदर वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो मे भी आगे आपको और इंजॉय करने को मिलेगा, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो फिर तुम लोगों को भी विजिट करो यहाँ पे, लेकिन लोकेशन हम आपसे शेयर करेंगे आस्ता आस्ता, जैसा हम नज़दीक पहुँचेंगे हम आपको लोकेशन बता देंगे, ताकि आप व्लॉग देखो तो आपको खुद एहसास हो आप लोग यहाँ आए विजिट करें इंजॉय करें यहाँ पे। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर करें थोड़ा। तो अभी ऐसा हुआ था कि एक टायर के नीचे पत्थर आ गया था, तो भाई लोग बोल रहे हैं कि इसको टायर फट गया था, इनको नहीं पता कि कैसे होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वक्त के साथ पता चल जाता है। तो आप इंजॉय करें, ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी जगह है, और आगे पंपिंग स्टेशन आ रहा है जो कि जहाँ पानी भी है, आई थिंक कुछ स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो हाँ एक स्पॉट भी है यहाँ पे, ये एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ सामने पार, पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा स्पॉट है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं ये स्पॉट है पिकनिक का, यहाँ रुकोगे, रुको रुको रुको, हाँ यहाँ लवर्स आते हैं, ज़्यादातर लवर्स आते हैं यहाँ पे, तो हम तो छड़े आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ अगर कोई होता तो हम लोग भी उसके साथ आते, घूमते मजा करते, लेकिन अभी हम अकेले आए हुए हैं, तो सो हम अकेले ही इंजॉय करवाएंगे आपको। कितना अच्छा व्यू है, कितनी बेहतरीन जगह है भाई, देख सकते हैं आप, ये देखो क्या है, वाव इट्स रियली अमेजिंग ब्रो, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत से लोग इस साइड जा रहे हैं, बहुत से टूरिस्ट जा रहे हैं जो कि इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, आज संडे भी है, तो आज अभी टाइम हो चुका है मतलब 3 बजने वाले हैं, तो हम लोग भी निकले थे, हम लेट निकले थे इधर के लिए, तो देखते हैं हमें कितना मज़ा आता है, लेकिन अभी तक तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि स्पॉट ऐसे हैं कि मतलब भूल नहीं सकता इंसान, बने रहे लाइफ में। तो आप देख सकते हैं बर्ड ऑफ द यूटी जे एंड के, घना घना जंगल है, सिर्फ जंगल, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में मतलब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम करके रखा हुआ है,
जम्मू से आगे आगे, बाकी हमारे वहाँ का तो कुछ नहीं है, लेकिन बाहर की जो फॉरेस्ट्री है उन लोगों ने बहुत अच्छा काम करके रखा हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, बड़े अच्छे अच्छे डेकोरेशन किए हुए हैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी बहुत अच्छा रोल है यहाँ इस साइड में, क्योंकि हट्स बने हुए हैं और मतलब बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से होनी चाहिए थी और वो हैं भी यहाँ पे। तो बहुत बहुत मुबारक है जम्मू के, मतलब जो भी जहाँ भी अभी हम हैं तो यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों को, सेव नेचर सेव वाइल्ड लाइफ, अमेजिंग व्यू, ये हट्स बने हुए थे पीछे, अभी पहुंच ही नहीं रहे हैं, मतलब एक घंटा हो चुका है निकलते निकलते, निकले हुए हमें तो तब से बस ट्रैवल ही हो रहा है, मतलब पहुंच नहीं रहे हैं यार, पता नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा और, क्योंकि स्पॉट नहीं मिल रहा है हमें। और वहाँ आप देख सकते हैं कि लोग शूट कर रहे हैं, बुलेट लगाया हुआ है उन लोगों ने, बाकी देख सकते हैं आप और कितना अच्छा व्यू, व्यू तो अच्छा है लेकिन हम लोगों के लिए तो व्यू अच्छा ही है, बट ये है कि स्पॉट नहीं मिल रहा कोई अच्छा सा, फिर हम आपको बताएं कि जगह कौन सी है। ऐसे ही हर्न पे हर्न बजाए जा रहे हैं, साइड भी दो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। तो अभी भी हमने गाड़ी यहाँ से न्यूट्रल कर ली है क्योंकि नीचे को जा रही है, तो ये है कि प्लास्टिक फ्री एंड वाइल्ड लाइफ एरिया, क्या बात है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, कैरी योर ओन क्लॉथ बैग्स, क्या बात है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है ना, ये ब्लॉग्स है, हम लोगों को किसी डिपार्टमेंट की टीआरपी नहीं करनी है, बट ये है कि अच्छा काम जहां मिलेगा हम लोग अप्रिशिएट करेंगे उस वर्क को। अभी तो हम बस चल ही रहे हैं, तो पहुंचने का अभी कोई पता नहीं है कब पहुंचेंगे, बट चल रहे हैं। सो गाइज, काफ़ी देर एक घंटा कंटिन्यू ट्रैवल करने के बाद हम थक चुके हैं, तो हम लोग आके रुके हुए यहाँ पे, एक जगह है स्पॉट से पहले एक जगह आती है तो वहाँ रुके हुए हैं, तो आगे नाका भी लगा हुआ है, तो भाई हमारे जो है ये डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सारा कुछ ओके है ना, ताकि हम लोग सेफली अपने स्पॉट पर पहुँच सकें। तो आप देख सकते हैं भाई बड़े लगे हुए हैं, हाँ ओके है, खत्म है, चलो अभी हमारा पोल्यूशन जो है ख़त्म है, तो देखते हैं अब क्या बनता है, चलते हैं आगे, मे बी ऊपर वाला कुछ बेटर ही करे, तो करते हैं फिर आगे बात। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी देर के बाद फिर हम लोग आधे घंटे के बाद कम से कम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तक भी हम जंगल में हैं, और आप देख सकते हैं अभी तक हम जंगल से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जंगल ही में मंगल हो रहा है आज हमारे साथ। तो चल तो रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी तक हम अपनी स्पॉट पे नहीं पहुंचे हैं, तो मुझे लग रहा है स्पॉट पे हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, लगभग 10 किलोमीटर के बाद हमारा स्पॉट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने स्पॉट पे पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ आए थे, हम लोगों ने इतनी एफर्ट्स कहाँ पे करी थी। और देखा जाए तो हमें एक मंदिर दिख रहा है इस, मतलब पूरे सुनसान एरिया में यहाँ एक ही मंदिर दिखा, अभी वो पीछे रह गया, वो आप देख सकते हैं नीचे झाड़ियों में, तो ऑलमोस्ट अच्छा था वो ये व्यू। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम मानसर, और ये है गेट लेक का जहाँ से स्पॉट है, हम लोग अंदर चल रहे हैं अब, तो कुछ ऐसा व्यू अंदर आता है जब हम मानसर लेक से अंदर घुसते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। तो इस साइड में तो हम लेक के अंदर आए थे, तो कुछ इस तरह का व्यू है, अंदर
कुछ इस तरह का व्यू है, बड़ी अच्छी जगह है। तो गाइस देख सकते हैं इस वक्त कहाँ मानसर में आए हुए हैं। तो आपको बता देते हैं कि ये तो प्लेस थी, ये तो मानसर थी। तो हमारे साथ हमारे भाई आए हुए हैं, देख लो कितना तगड़ा व्यू है। क्या कहना चाहेंगे आप, अच्छा लगा ना आपको आके? गुड, ये देखो तो गाइस अभी हमने थोड़ा इन्जॉय किया एंड उसके बाद हमने ये पॉपकॉर्न लिया। तो अब हम पॉपकॉर्न खवा रहे हैं, साथ में ब्रो हमारे फ़ोन चला रहे हैं। ये देखो आगे पार्क, इनको फ़ोटो, इनके फ़ोटो नहीं सही आ रहे यार, मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि फ़ोटो खींचने की जहाज ही नहीं है मुझे। देख लो क्या बोल रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा। तो देखते हैं आगे जाके क्या कोई पार्क में लेके जा रही हैं हमें। तो दिखाते हैं, ये है मानसर लेक, देख लो। तो भाई लोग हम लोग आए थे अंदर, जहाँ से पार्क को रास्ता जाता है हम लोग उस साइड आए थे। काफ़ी अंदर आ चुके हैं, बस पार्क के करीब पहुँचने वाले हैं। तो उसके बाद मे बी अनीस भाई कह रहे हैं कोई इन्जॉय होगा, तो वही देखते हैं। ये खुद बिजी हैं लेकिन चलो देखते हैं क्या बनता है आगे। तो हम पहुँचे हैं अभी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज इंस्पेक्शन हटाट मानसर ब्लॉक मजलटा। तो ये है मानसर की जो कि मार्केट है, हम मार्केट के अंडर जो है एंटर हो चुके हैं। तो देख लो आप, पहली दुकान, दूसरी दुकान, बहुत अच्छी अच्छी आइटमें यहाँ पे मिल रही हैं। स्पॉन्सर नहीं कर रहे भाई, हम बस खाने पीने का दिखा रहे हैं, चाय है, खाना है, बाकी सामान है और लड़कियाँ भी हैं यहाँ पे। तो तड़के के लिए लड़कियाँ भी हैं यहाँ पे। तो गाइस हम एक ऐसी जगह आए हैं जो कि मतलब ये देख सकते हैं आप, पीछे लेक है मानसर लेक। तो इसके पीछे आप इसका व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है। और सेम ऐसा ही व्यू वो साइड है, कितनी बड़ी है वैसे, देख सकते हैं आप। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, मतलब अच्छा व्यू है यहाँ का। देखते हैं अब आगे कहाँ जाते हैं, आगे का व्यू दिखाएंगे हम आपको जल्दी। जैसे ही हम पार्क के अंदर आए तो हमें एक पान की दुकान मिल गई, तो हमने अपने लिए एक पान ले लिया। हम चेक कर रहे हैं कि क्या मज़ा आएगा पान खाने में, क्या ये दिल्ली वाला पान है। तो हमारे भाई इसमें हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। भाई आप पान खाओगे? नहीं खाओगे? चलो मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि कैसा लगा। अभी हमने एक पान लिया हुआ है जो कि मैं ही खा रहा हूँ, यही खा रहा हूँ, बहुत मज़ा आओ। तो गाइस अभी हमने पान खाया था थोड़ी देर पहले, इसका इतना मज़ा आएगा, बिल्कुल पान खा के बिहारी वाला फील होता है कि हम बिहार से हैं। इन्होंने देखा अभी हम पान खा रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, अभी भी पान मेरे मुंह में, बहुत ही मज़ा आ रहा पान खाने का। बाकी आप पीछे देख सकते हैं हरियाली कितनी है, हरियाली बता रहे हैं इनको, इनको समझ आ गया कौन सी हरियाली है, देख लो। आप क्यों व्लॉग के बीच में आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि आप बार बार आप व्लॉग में आएंगे? तो अभी हम नीचे जा रहे हैं हरियाली वाली साइड। तुम फेमस बन रहे हो, फेमस फेमस ब्लॉगर बनना चाहते हो, तो ये नीचे देख सकते हो आप।
नहीं यार, वाह वंडरफुल, कितना अच्छा तगड़ा व्यू है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लाइव व्यू है। मतलब अच्छा सेल्फी ले ना, इसे बेचाना चाहिए। तो अभी हम निकल रहे हैं मानसर से, तो ये हो चुका है। ये देखो एक गधा है, इसको मैंने बोला कि गा है निकल जा, तो नहीं निकला। अब इसको पैसे देने पड़े तो हाँ 20 रुपये का नुकसान हो गया, क्या कहीं देख रहे थे। तो बस ये था मानसर का छोटा सा ट्रिप हमारा, जो कि हम मैं और मेरा कज़न आए हुए थे आज, तो अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक्स फॉर विजिट। अभी थोड़े हम कुछ जाने के एक्सक्लूसिव क्लिप्स डालेंगे बीच में, तो देखते हैं आपको कितना मज़ा आता है, कमेंट्स में बताइएगा। सो गाइस, हमारा जो है पैकअप हो चुका है, ये मानसर लेक से हम निकल चुके हैं, अब वापस जा रहे हैं। देखते हैं, अभी चांस बन गया कोई सनसर लेक जाने का, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे जम्मू अपने घर, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो बने रहें ब्लॉग में, देखते रहें पूरा, और इसको शेयर और सब्सक्राइब करें।